नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा हेल्थ इज वेल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा 14th बैच फिनिश हुआ है और आज हम अपने बैच के कुछ मेंबर्स के साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप में से कुछ लोग या सभी लोग आकर के अपना ये फीडबैक सेशन दें कि आपको इस प्रोग्राम के लिए कैसा लगा, जो 14 डेज की जर्नी हमारी आपके साथ में थी, और आप मेरे माइनस पॉइंट्स भी बताएं जिससे हम इसको और फिनिश करके आगे और अच्छा प्रोग्राम बना सकें। थैंक यू। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका सहगल जी को, जो लखनऊ से हैं, और इन्होंने ये कोर्स क्यों ऑप्ट किया और इनको ऐसा लगा कि आपने सही किया, या आप बताएं मोनिका जी प्लीज। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कोर्स, क्योंकि मेरे को पीसीओडी और थायराइड दोनों की प्रॉब्लम थी, तो मैं आई थी मैम से मिलने कि मेरे को इस चीज का सोल्यूशन दे। तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि ये क्यों ना आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। मैंने प्रोग्राम ज्वाइन करा और मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, और मेरे को हर छोटी सी प्रॉब्लम भी होती थी तो मेरे को बार बार मैम को कॉन्टेक्ट करना पड़ता था, और कई बार टाइम होता था कई बार नहीं होता था। लेकिन ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये है कि मेरे को छोटे छोटे चीज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। मैम ने मेरे को इतनी नॉलेज दे दी है कि मैं उस चीज का सोल्यूशन खुद ढूंढ सकती हूँ। आगे मैं चाहूंगी कि मैं एडवांस भी कोर्स करूँ ताकि मेरी नॉलेज और एनहेंस हो इस फील्ड में, और मुझे इसमें इंटरेस्ट आया और कि ये बहुत अच्छी चीज है आप, क्योंकि इस टाइम पे हेल्थ इज वेल्थ। आपकी अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ ठीक है, और आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी को जानेंगे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के, उतना आपके लिए अच्छा है। बजाय कि आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएं, वो लोग आजकल हर डॉक्टर अच्छा नहीं होता, वो आपको गलत गाइड भी कर देते हैं। कई बार अपना बिजनेस चलाने के लिए आपको मेडिसिन पे डाल देते हैं, आप मेडिसिन पे इतने डिपेंड हो जाते हो कि आपको लगता है कि हम मेडिसिन नहीं खाएंगे तो पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें नेचुरोपैथी के थ्रू हमें नेचुरल चीजें इतनी मिल गई हैं कि हम लोग घर में ही अपने किचन में ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं हर चीज का डॉक्टर के पास, तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। आपने पहले भी हमसे ट्रीटमेंट लिया है जब बेबी कंसीव नहीं किया था, और उस पे वेट लॉस भी किया था और पीसीओडी में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स थे ना जब आपने कंसीव किया। उसी से ही मेरे को मैंने कंसीव भी किया, और अब मैं दोबारा आफ्टर डिलीवरी भी मैंने मैम को ही कॉन्टेक्ट किया ताकि मैं दोबारा अपना बॉडी मेंटेन कर सकूं वेट लॉस करके दोबारा। तो थैंक यू मोनिका जी, जी थैंक यू मोनिका जी। मोनिका को लखनऊ में रहने का फायदा मिला। सो अभी देखते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से अंजलि जी हैं जो कुछ बताना चाहेंगी, हालांकि इनके टाइमिंग्स हमसे मैच नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। सो तो नमस्कार, थैंक यू शिखा जी, सॉरी जस्ट वन मिनट बच्चे हैं, मैं उनको ना बोलती हूँ। श्योर श्योर श्योर। I liked what I liked about this was going back to the nature, like you know, जो original अपना जो अपन ने सीखा था, जो हम सब भूल गए, जो हमारे nature हमारे originally था कि हमको कैसा अपना routine maintain करना है, और as Shikha ji said that we have to go to the root cause of the problem in the lectures. अभी allopathy में तो ऐसा होता है कि you know they just treat you on the upper level, they don't deep dive. Whereas naturopathy is all about diving deep into it. So I really like that part that yes, that we need to look into it. Humko bas khali dawaiyan hi nahi khani hai. And I like the biggest treatment that she said, the cold and the hot pack. Phir uske baad jo unhone jo feet ke baare mein bataya ki agar sardi hai to kya karna hai, aise hi nahi ki dukaan pe jao aur dawaiyan le aao aur kha lo, khali upar upar se treat kar lo. मैंने उनको मेरे को जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है उसके लिए भी उनको कंसल्ट किया, तो उसमें भी उन्होंने मुझे एडवाइस दी, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट, एंड देन आई एम अगेन गोइंग टू गेट बैक टू हर एंड सी कि क्या हमको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और कैसे नहीं। बट यस, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन इन ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने शिखा जी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट किया है, एंड शी इज गॉट हर फाइब्रॉइड्स ऑल क्लियर्ड, but she could not do it even through homeopathy. So I'm definitely sure that naturopathy will help me as well. Thank you, Shikha ji. Thank you, Anjali ji. अभी हम चलते हैं शैली जी के पास, जो USA है हमारे साथ, और इनका टाइम भी हमारे से बड़ा मुश्किल भरा है कि हम इवनिंग में होते हैं और ये गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। सो वेलकम शैली।
थैंक यू शिखा जी, आपके कोर्स के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और काफी डाउट्स होते थे यूट्यूब पे, कभी कुछ सुन लिया कभी कुछ सुन लिया, तो आपसे उन टॉपिक्स के बारे में क्लैरिटी मिली है। एजिंग के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो शुरू हो गई हैं, लेकिन मेडिसिन खाना नहीं चाहते थे, तो इसलिए आई थिंक नेचुरोपैथी सबसे बेस्ट है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, रूट कॉज से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो सबकी नॉलेज देने के लिए ये सबसे बेस्ट कोर्स था जो हमने ज्वाइन किया और काफी नॉलेज गेन की है और गुड लगा। और अगर शायद मैं ये भी चाहती हूँ और क्लैरिटी के लिए दोबारा से एक बार फिर करो, ताकि कोई भी अगर मन में कोई शंका रह गई हो वो भी क्लियर हो सके। और मैं आपसे पर्सनल भी ले रही हूँ अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो होपफुली मैं उससे भी जल्दी रिकवरी मिल जाए। ओके, थैंक यू शिखा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एमी, क्या आप हो हमारे पास साथ? यस मैम, प्लीज ओपन योर वीडियो। मैम वीडियो ऑन ही है मेरा मैम। या श्योर। सो एमी, आप बॉम्बे से हैं हमारे साथ, प्लीज बताएं। आपने पहले लास्ट वाला इंटरेक्टिव सेशन भी किया था, बहुत सारी आपकी क्वेरीज थी, सो वो सॉल्व हो पाएंगी नहीं? जी मैम, थैंक यू शिखा मैम, ये बोल के शुरू करूंगी। और जब इंट्रोडक्टरी यानी इंटरेक्शन वाला जो सेशन मैंने अटेंड किया, तो ये मेरी क्यूरियोसिटी है कि कुछ ना कुछ नया सीखना है, और बड़े टाइम से मुझे नेचुरोपैथी के तरफ एक अट्रैक्शन सा हो रहा था, सोचा हम सीखेंगे, और अचानक से मैम का नाम आया और मैंने कोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से पहले जो सारी क्यूरियोसिटी थी वो कोर्स के बाद, बल्कि मैंने बीच में बहुत सारे लेक्चर्स मिस भी किए, बट वो सारी मैक्सिमम लेवल तक क्लियर हो गई है। और लेक्चर जब शुरू हुआ, तब सबसे पहला मैम ने बताया था कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी हीलर है, जो हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स है वही प्रकृति में भी है, और उसकी सहाय से हमें हमारे 5 एलिमेंट्स को, हमारे शरीर के अंदर के एलिमेंट्स को बैलेंस करने हैं, और उसी को नेचुरोपैथी कहते हैं। इससे शुरुआत हुई, और वो सुनने के बाद एक अंदर की जर्नी स्टार्ट हो गई, ऐसे हम समझ सकते हैं, हमारे शरीर को हमको कैसे समझना चाहिए, वो चीज मुझे शिखा मैम से समझने को मिली, सीखने को मिली। और पूरी जर्नी बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही अच्छी थी। ऑन टाइम लेक्चर शुरू होते थे, ऑन टाइम खत्म होते थे, कोई ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, और इतनी क्लैरिटी से की है। और मैंने मेरी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर सुन के ही दी है, और पढ़ाई के लिए मुझे वक्त ना मिला इसलिए। बट और अभी मैं कंसल्टिंग भी कर रही हूँ, स्टार्ट की है उनके पास से, उससे भी मुझे काफी चेंजेस आए हैं। जो हाइड्रोथेरेपी है उसके बारे में मैम हमेशा बोलती है कि वो करिए आप, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का है वो, और इन सबसे कहीं ना कहीं जरूर सभी को फायदा होगा। हर किसी को ये हक है, और हर किसी को ये कोर्स करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को और अपने शरीर को, जो हमारे अस्तित्व का जो प्रूफ है, उसको जानने का चांस मिले, और वो बहुत अच्छी तरीके से जान सके। और जो भी आगे का हमारी फ्यूचर की जितनी भी आयु है, जितनी भी एज है, जितनी भी लाइफ है, उसको और स्मूथली और अच्छे से पूरी तरीके से आनंद लेते हुए जी सके। वंस अगेन थैंक यू शिखा मैम, होप आई विल कंटिन्यू विथ यू अगेन। थैंक यू एमी, थैंक यू। अभी आते हैं पूजा मिश्रा जी के साथ, जो लखनऊ से हैं और स्टूडेंट भी हैं। सो अभी हम इनसे जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉट रश फॉर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। कोई भी फील्ड हो आपकी, आप गेम्स में रुचि रखते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, बट आपको बेसिकली नेचुरोपैथी जानना पड़ेगा। चाहे आप एलोपैथ के हो, चाहे होम्योपैथ के हो, चाहे कोई भी पैथी रखते हो, आपको नेचुरोपैथी तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। सो प्लीज पूजा जी कुछ शब्द कहें। थैंक यू मैम, मुझे आपका इंटरेक्टिव सेशन मैंने तो अटेंड नहीं किया था, बट उसके पहले ही मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे थे, फिर मुझे समझ में आया था कि मुझे आपका सेशन अटेंड करना है।
और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया अटेंड करना तो मुझे लगा कि नेचुरोपैथ में आपका कमांड कितना अच्छा है और मेरी जो भी क्वेरीज होती थी वो मुझे सॉल्व होती नजर आ रही थी उसमें। और मतलब नेचुरोपैथ के थ्रू हमें, मुझे एलोपैथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसकी जो मेडिसिन है मुझे थोड़ा साइड इफेक्ट से होते हैं उससे, तो नेचुरोपैथी के थ्रू मुझे जानना था कि मुझे अपनी बॉडी में किस तरह से उसको अप्लाई करना है और कैसे उससे चेंज हम ला सकते हैं, कैसे डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं हम। क्योंकि योग्राम 2017 में मैं योग्राम गई थी और इन सब चीजों को मैंने अप्लाई किया था वहां पर, बट इतना डीप नॉलेज नहीं था, तो वो चीज मुझे आपसे जानने को मिला यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये लगता है कि आगे मुझे और रिपीट करना चाहिए इसको। काफी अच्छे से आपने ये चीजों को समझाया है बट फिर भी कुछ मिसिंग है अभी भी, तो अभी मुझे यही लगता है कि मुझे फिर से एक बार को करना चाहिए और ये चीजें जितनी अच्छी क्लियरिटी से आपने समझाई है उतना मतलब शायद ही हमें कहीं मिलता समझने को। थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा। हमारे साथ हैं डॉक्टर मन्ना जी जिन्होंने ये कोर्स किया और काफी हद तक रेगुलर रहे हैं, तो थैंक यू, आप कुछ अपने व्यूज शेयर करें। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके साथ जुगा नेचुरोपैथी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का किया, तो जो कोर्स किया तो उसमें देखा है कि योगा नेचुरोपैथी डिटेल्स आपका, आप जिस तरह बताया डिटेल्स इतना बताया नहीं टीचर ने, और आपका कोर्स मतलब ये जो 13 डेज का जो आपका जो कोर्स है तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमको जानकारी मिला, और हम तो एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहा, इसके साथ क्रोनिक डिजीज के लिए नेचुरोपैथी बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम तो एडवाइस देता है मैक्सिमम पेशेंट को कि नेचुरोपैथी का, तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट भी मिलता है, तो अदरवाइज हम ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि हमारा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नेचुरोपैथी का, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हमको अच्छा लगा आपका क्लास सेशन में। थैंक यू। और आप कहाँ से हैं, आप इस समय कहाँ से बोल रहे हैं? हम एक्चुअली मैम हम वेस्ट बंगाल का हूँ। ओके। हेलो। हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है जी। एक्चुअली हम वेस्ट बंगाल का छोटा गांव में, हमारा एक चेंबर है तो अभी चेंबर में ही है, तो यहाँ तो मैक्सिमम एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहा हम, तो जो एक्यूट पेशेंट को हम नेचुरोपैथी साजेस कम देता है, लेकिन क्रोनिक पेशेंट को तो उसका साथ सोचिए कि एक्चुअली एलोपैथी हम जो दवाई देता है तो उसका साथ नेचुरोपैथी का भी कुछ मतलब मिलता है, सोचिए कि हम पेशेंट को बोलता है कि आपका तबीयत खराब है ठीक है, आप फीवर है तो पैरासिटामोल खा लीजिए, एंटीबायोटिक दे रहा, लेकिन उसके साथ भी उसको एडवाइस भी दे रहा नेचुरोपैथी का ही, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर भी एडवाइस देता है नेचुरोपैथी का ही, सोचिए कि कॉन्टास्ट बात देने के लिए बोल रहा जी। कहां दर्द है उसने बोल रहा कि ठंडा पानी गर्म पानी से सेक दीजिए, मतलब नेचुरोपैथी का ही ट्रीटमेंट बोल रहा वो, तो इसलिए हमको तो नेचुरोपैथी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों को तो कोई ना कोई पार्ट तो है ही, रेगुलर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता है नेचुरोपैथी का ऊपर ही, सोचिए कि हम पानी पी रहा, ये पानी तो 5 एलिमेंट्स का ही एक पार्ट है ना, वाटर थेरेपी का ही, तो इसमें हम इसलिए हम नेचुरोपैथी का नहीं छोड़ पाए, नेचुरोपैथी का सबको जरूरी है जी, तो हम ज्यादा नहीं बोल पाता। नहीं, बहुत अच्छा है, थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एलोपैथ के साथ नेचुरोपैथी मिल करके खड़ी है और हम सबसे पहले ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे एलोपैथ जरूरी है वहाँ हम भी एलोपैथ रेकमेंड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि साइंस ने डेवलपमेंट किया है और उसकी जगह हम नहीं ले सकते, पर जहाँ पे नेचुरोपैथी को होना चाहिए वहां पर होना चाहिए, और ये बात हर किसी पैथी वालों को मिल करके काम करने की जरूरत है इस समय। हाँ मैम, हाँ 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 जी,
सो थैंक यू आपका सेशन में हमको तो बहुत अच्छा ही लगा जी. तो मैम एक काम करिए हम फिर से ज्वाइन कर सकते हैं ना जी तो आपका जो सेशन है जी क्लास तो अच्छा लग रहा है क्लास हम लोग अटेंड कर सकते हैं फिर से हाँ मैं बता दूंगी अटेंड कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू वेरी